यो, तो हर कैसे आप सब लोग। तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। तो गाइस, पिछले माइनक्राफ्ट एपिसोड 1 में क्या हुआ था अगर आपको नहीं पता तो चलो गाइस मैं समझाता हूँ। मैं एक नया घर बिल्ड करने के लिए जा रहा था, तभी मुझे दो विलेज मिल गए, तभी वहाँ से मुझे दो वायरन को उनको मार डाला और गाइस वो सबको विलेज को लूटा। मुझे घर बिल्ड करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और गाइस इस वीडियो में घर बिल्ड करेंगे और नया प्लेस भी ढूंढेंगे और नया जर्नी शुरू करेंगे। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस उससे पहले यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो प्लीज़ सब्सक्राइब। जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं सिर्फ इतना ही लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो गाइस आप सब्सक्राइब करो। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब फाइनली अच्छे प्लेस पर रही हूँ। बिल्डिंग भी मेरे पास साथ ही है। और गाइस पहले काम हमको करना है अच्छे प्लेस ढूंढना है। उससे पहले चलो गाइस देखेंगे अच्छे से प्लेस ढूंढते हैं। अभी इसे शुरू करते हैं 3, 2, 1 चलो गाइस चलते हैं। एक अमेजिंग अच्छे से प्लेस चाहिए उस रुका यार। उससे पहले थोड़ा टॉर्च एटलीस्ट एक टॉर्च तो चाहिए यार, हाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो यार बोलते हैं फाड़ के ऊपर जाके देखेंगे यार। चलो यार फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, पर ये जगह उतना ऐसी अच्छे से नहीं लग रहा है, पर थोड़ा फ्लैट फ्लैट जगह दिख रहा है वो दूर दूर पर। आई थिंक उसके बाद अच्छे से जगह होगा फ्लैट जगह। चलो हम चलते हैं, कोई तो जगह मिल जाओ यार। ट्रीज दिख रहा है फिर बना लेते हैं यार। मैं उतना बड़ा घर तो भी थोड़ी बनाता हूँ। और एक काम करेंगे, आई थिंक मुझे यही बेस्ट प्लेस लग रहा है। पहले इस जगह को थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम को शुरू करते हैं। रुको यार, पहले यहाँ पर ही बिल्ड करेंगे यार। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा सामान रखेंगे, यहाँ पर हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट करेंगे और उसके बाद चेस्ट क्राफ्टिंग टेबल सब कुछ यहाँ पर ही रख लेंगे। रुको यार, पहले हमको पेड़ काटना है ना यार। रुको यार एक मिनट, खाना तो यहाँ पर रख लेंगे मेरे अमराध में और थोड़ा खाना पकने के लिए छोड़ेंगे। चलो यार ये सब पेड़ को काट लेते हैं। एक हाउस का किस तरह रहना चाहिए यार, तो थोड़ा चेस्ट बना लेते हैं। पूरा रात ही हो चुका है, इस पर हमारा कीमती वाला सामान रखेंगे, उससे पहले सो जाते हैं यार। चलो यार अब हम हमारा काम शुरू करते हैं, घर बिल्ड करने का काम। वही मुझे अगर मैं इस तरह तोड़ते जाऊँ तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए अब हम ये काम करेंगे। हमारे पास तो अब बहुत खूब सारा आयरन इंगट है ना, उसमें थोड़ा ये बना लेंगे यार। क्या यार, एक बकेट बना लेते हैं, उसके बाद इसको वापस रख लेते हैं आयरन इंगट को, और पानी वहाँ पर से लेकर आता है। वो 10 आयरन इंगट कहाँ से मिला यार, आप सोच रहे होंगे। आयरन कॉलम को वहाँ पर मारा ना हमको, वहाँ से ही मिल चुका है हमको, नहीं मेरे को। और गाइस मेरे हार्ट तो बहुत ही एचपी कम है, और उसलिए यार थोड़ा खाना खा लेते हैं। चलो पानी फैलते हैं और ऑटोमेटिकली देखो यार कितना अच्छे से क्लियर होते जाएगा। मैं आती नहीं चाहिए यार इसके, तो इसको कहते हैं यार दिमाग चलाना। ठीक है, अब हमको इस सबको भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए तो हम सवाल बना लेंगे, उतरे सबको क्लियर करते जाएंगे। मुझे आज से ही काम करना पड़ेगा यार, वो भी शवल था वो भी टूट गया। चलो यार कोई बात नहीं, आई थिंक मेरा घर सिर्फ इतना ही बड़ा होने वाला है और कुछ भी नहीं। और चलो यार उस सबको थोड़ा नीचे वाला है ना उसको कवर करने के लिए एक आसपास एक स्टैक हो चुका है यार। ठीक है, इसको कवर करने के लिए थोड़ा यहाँ पर डर्ट लगाते जाएंगे। और ठीक है,
ठीक है यार, चलो यार इतना काफ़ी है, अब हम यहाँ पर हमारा घर बिल्ड करने वाले हैं। चलो यार फाइनली आप तो जगह से पूरा टिक टाक हो चुके हैं, पता नहीं है हमारे पास कितना वुड है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही वुडन ब्लॉक्स है मेरे पास। अरे भाई 22 हो चुके हैं, 22 से मुझे पता नहीं, पता है कुछ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए यार यहाँ पर हमारे आसपास है ना उसको उसको ही काट लेते, जितना हो सके उतना काट लेंगे। चलो यार काट के मिलते हैं आपको। यहाँ पर 6 एक स्टैक तो हो चुका है, देखेंगे एक स्टैक में कितना कर पाएंगे हम लोग। ओफ यहाँ पर एक अकेशिया प्लैंक से बनाना पड़ रहा है मुझे घर, क्योंकि मैं इसी व्यायाम में हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं यार, बाद में सब कुछ चेंज करेंगे। मैंने सोचा था किसी बड़ा कास्टल जैसे बिल्ड करूँगा, मैंने क्या क्या सोचा था रात यार सच सपने में। कोई बात नहीं यार, छोटे वाले में छोटा वाला में काम चला लेंगे। चला सिर्फ आउटलाइन के लिए करेंगे यार, बार के लिए हम लोग स्टोन्स यूज करेंगे, वही बेस्ट आइडिया है आई थिंक। चलो यार इतना ही काफी है। अब मुझे ब्रिजिंग करना पड़ेगा। तो गाइस टडन ठडन गाइस हो चुका है, पूरा पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, टडन टडन बेडरॉक में जैसे बिल्ड किया था वैसा ही बिल्ड किया हूँ, पर उसके बाद आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा कैस्टल बनने वाला है। आपको लगना ही होगा, आई मीन ऐसा नहीं लग रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं ये पोल क्यों छोड़ रहा हूँ, इसके थोड़ा पियर आने लगा यार, इसलिए इस थोड़ा हूँ। अभी भी मैंने डोर नहीं लगाया यार, रुका यार इसलिए एच नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पर ग्लास लगा दे। ग्लास लगाने के लिए हमको चाहिए बहुत ही ज़्यादा सैंड, यहाँ पर ही है ना से यार सैंड, इसको ही ले लेते हैं। अभी लगा यार कोई बंदे चला यार, इसको सैंड को इकट्ठी कर लेते हैं पहले, सिर्फ इतना ही काफ़ी यार। और उसके बाद अब हमको क्या चाहिए यार, हाँ अब हमको डोर चाहिए ना घर के सामने रखने के लिए, इसलिए यार थोड़ा वुड काट लेता आई थिंक मेरे पास नहीं है यार। अब हम हमारा घर में डोर लगाने वाले हैं। चलो यार एक ही डोर काफ़ी है, दो एक्स्ट्रा रख लेते हैं, बाद में काम नहीं आगा। टाटा टाटा नहीं हेलो मेरा काल, अरे यार ये क्यों पड़ा है यार, इसको काट लेते हैं। आप देखो यार कितना अच्छे से लग रहा है, ये घास की फ्लोर है, बाद में टिक करेंगे कोई बात नहीं। चलो यार बाहर चल के देखेंगे, घास ग्लास मेल्ट हो चुका होगा, इतना काफ़ी है यार। ठीक है चलो इस साइड पर दो लगा देते हैं, और यहाँ पर दो लगा देते हैं और इस साइड दो पर दो लगा देते हैं। चलो यार पूरा कंप्लीट हो चुका, जितना उतना का सामान घर के अंदर रखेंगे, और जितने सामान है सिर्फ और सिर्फ 3 ही सामान है, आई मीन 4 है चेस्ट को लेकर। चलो यार इसको तोड़ लेते हैं यार, आ जाओ यार काफ़ी है। ठीक है हमको घंटा मिल चुका है जो मैंने चोरी किया था विलेज पर, अब हम यहाँ पर डाल के देख लेंगे। और गाइस पहला घंटा बजा दिया है हम लोगों ने, और चलो गाइस इसको बंद करते हैं। और यार देखो यार कितना सुंदर है, ठीक है अब हमको फर्नेस चाहिए, फर्नेस तो यहाँ पर ही है, फर्नेस कहाँ पर रखेंगे यार, यहाँ पर आएगा क्राफ्ट। और गाइस और क्या यार, हमारे घर में तो रोशनी ही नहीं है यहाँ पर, हमारे पास ही एक टॉर्च है, एक टॉर्च से क्या बढ़ेगा यार, देखा यार एक टॉर्च से क्या यार, इस कॉर्नर पे लगा देंगे। ठीक है चलो, ओ यार दिस इज माय होम स्वीट होम गाइस, मेरे पास तो कोल भी नहीं है,
तो दिस इज़ माई होम स्वीट होम, और एक होम एक दिन कैस्टल बनेगा और इसके लिए इंतज़ार तो बनता है यार। ठीक है तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और इसी तरह की सब्सक्राइब मारो। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।